संयुक्त राष्ट्र के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान का क्या हश्र भारत करने वाला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मसला उठाने के बाद भारत की प्रतिनिधि भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाई और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेतावनी भी दे दी है। एस जयशंकर ने कहा कि अब दोनों देशों के बीच सुलझाया जाने वाला मुद्दा केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेना है, मतलब कि अब पाकिस्तान और भारत के बीच एक ही मसला है और वो है गुलाम कश्मीर, जिसे भारत लेकर रहेगा। एस जयशंकर की इन बातों से पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 79वें UNGC को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि हमने कल इसी मंच से कुछ विचित्र बातें सुनी। मैं भारत की स्थिति को स्पष्ट कर दूं, पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और उसे दंड से बचने की कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत कार्रवाई के निश्चित रूप से परिणाम होंगे। एस जयशंकर ने कश्मीर नीति और आतंकवाद को लेकर भारत का रुख साफ करते हुए कहा कि हमारे बीच सुलझाया जाने वाला मुद्दा केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना और आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे लगाव को त्यागना है। पाकिस्तान की अपनी धरती पर आतंकवादियों को पनाह देने की नीति के बारे में बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि कई देश अपने नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिसके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से उनके कुकृत्यों का असर दूसरों पर भी पड़ता है, खासकर पड़ोस पर। उन्होंने कहा कि जब राजनीति अपने लोगों में इस तरह की कट्टरता भरती है तो इसकी GDP को सिर्फ कट्टरपंथ और आतंकवाद के निर्यात के रूप में मापा जा सकता है। आज हम देखते हैं कि दूसरों पर जो बुराइयां लाने की कोशिश की गई थी वो उसके अपने समाज को निगल रही है। ये दुनिया को दोष नहीं दे सकते, ये केवल उनका कर्म है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर में भारत सरकार की कार्रवाई की आलोचना की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की। शहबाज शरीफ ने कहा था कि फिलिस्तीन के लोगों की तरह जम्मू और कश्मीर के लोगों ने भी अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए एक सदी तक संघर्ष किया है। शहबाज शरीफ ने यह शंका जताई कि अगर पाकिस्तान किसी तरह का दुस्साहस करने की सोचता है तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। भारत की बढ़ती सैन्य क्षमताओं के बारे में बोलते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के नेतृत्व ने नियंत्रण रेखा पार करने की धमकी दी है। हालांकि उन्होंने अपनी कमजोरी छिपाते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत की तरफ से जवाब देते हुए भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने कहा कि पाकिस्तान ने लंबे समय से अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इसने हमारी संसद, हमारी वित्तीय राजधानी मुंबई, बाजारों और तीर्थ स्थलों पर हमला किया है। ये सूची लंबी है। ऐसे देश के लिए कहीं भी हिंसा के बारे में बात करना सबसे बड़ा पाखंड है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए भाविका मंगल नंदन ने कहा कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के परिणाम उसे निश्चित रूप से भुगतने होंगे। यह हास्यास्पद है कि एक राष्ट्र जिसने 1971 में नरसंहार किया और जो आज भी अपने अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार करता है, वो असहिष्णुता और भय के बारे में बोलने की हिम्मत करता है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।